का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मुद्रा की श्रृंखला में अगली कड़ी हम देखने जा रहे हैं शून्य मुद्रा, जिसे हम बोलते हैं मुद्रा ऑफ इम्पिटिनस या जीरो फिल। शून्य मुद्रा खालीपन या स्वर्ग का मुद्रा है जो हमारे शरीर में अंतरिक्ष तत्व को घटाता है। यह हृदय चक्र को खोलते हुए ध्यान में मदद करता है। विशेषकर यह हमारे कानों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इससे हमारे कानों का दर्द ठीक हो जाता है। इस मुद्रा का मुख्य उद्देश्य उम्र बढ़ने की वजह से कम सुनाई देने की बीमारी को ठीक करना है। कान में दर्द और आंखों में पानी कम बनने लगता है और इसके कारण दर्द होता है, और इसका निवारण हम शून्य मुद्रा से कर सकते हैं, बशर्ते 1 घंटा नियमित रूप से इसे किया जाए। और अगर समय की बात करते हैं तो इसे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। यह मुद्रा बैठकर, खड़े होकर या फिर लेटकर कर सकते हैं। अगर इसके लाभ की बात की जाए, हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है, दिल की बीमारियों और गले की समस्या को कम करता है, यह थायराइड को भी ठीक करता है, मसूड़े को मजबूत बनाता है। अगर इसके स्टेप्स की बात की जाए, शरीर की स्थिति मेरुदंड बिल्कुल सीधा, कंधा सीधा सीधा, सीना सामने तना हुआ और आंखें को बंद रखना है। अपने मिडिल फिंगर को इस तरह से ऐसे इस तरह से मोड़ना है कि यह अंगूठे के बेस पर आ जाए, यह अंगूठा के बेस पर। मध्य उंगली बिव हड्डी को यहां बिल्कुल इसके नोक, ताकि दबाव डाला जा सके, और बाकी तीनों उंगलियों को बिल्कुल सीधा इस तरह से ऐसे बिल्कुल ऐसे दबा लीजिए यहां ऐसे, और बाकी तीनों उंगलियों को जितना हो सके सीधा रखिए। दोनों हाथों को आप यहां घुटने पर, गोद में, जांग में और आकाश की ओर, ऊपर की ओर इसे रखना है। अपने सांसों को, सांसों के प्रवाह और इसके शरीर पर होने वाले प्रभाव, यानी कि कान, जिस पर्पस से आप कर रहे हैं, कान के लिए, मसूड़े के लिए, थायराइड के लिए, जिसके लिए कर रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। इस दौरान हमें ध्यान अपना जो फोकस है आज्ञा चक्र दोनों आईब्रोज के बीच में रखना है। और काल और आवृत्ति की बात की जाए तो अच्छे परिणाम के लिए दिन में आप 3 बार तक 15-15 मिनट तक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।